तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे रेडी की जाती है, इसे बनाने में क्या क्या प्रोसेस होता है और इसे कितना टाइम लगता है पूरा बनने में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको मजा आएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये तांबे का पानी होता है, जिसे तांबे हर एक पहले प्रोडक्ट पर पहले तांबे चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद सारी मेकिंग चालू होती है। तो देखिए, पहला ये एक एक पार्ट्स ऐसे तांबे के पानी के अंदर डाले जा रहे हैं। यहाँ पे तांबे का पूरा स्लैब्स ऐसे रखा हुआ है, जिससे ये तांबा का पानी पूरा इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इससे पूरा प्रोसेस होने के 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आइए, एक एक अलग अलग केमिकल होते हैं, जिसको देखिए हर एक के अंदर निकाल के डाला जाता है। जो भी तांबे के पानी चढ़ाते समय जो भी इसमें डस्ट या कचरा बैठा हुआ, एक एक करके निकल जाए। अब देखिए, इसका कलर धीरे धीरे कैसे ब्राइट होते जा रहे हैं। तो ये देखिए, अलग अलग तरीके के पानी होते हैं, केमिकल होते हैं ये। तो आप देख सकते हो कितना ब्राइट होते जाता है एक एक करके कलर ये। तो अभी देखिए, इसका प्रोसीजर, तांबे वाला प्रोसीजर पूरा हमारा रेडी हो गया है। ये लास्ट हमारा केमिकल का पानी जिसमें डक किया था। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे ये और भी होती है, जिसमें लिखिए लिक्विड, केमिकल होते हैं ये भी कुछ अलग अलग, जो सेकंड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके एलिन बोलते हैं। तो जो देखिए, अभी 3 से 4 टाइप के यहाँ पे केमिकल मिक्स किए जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे एक पहला डब्बा मिक्स किया है, अभी ये सेकेंड डब्बा आएगा, ये देखिए। और ये भी मेजरमेंट के हिसाब से सारा मिक्स किया जाता है। यहाँ पे काम में थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकते हो आप। तो आप देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे माल डाला गया है अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे ये देखिए कि कैसे कैसे होते हैं। वो तांबे का कलर था, तो यहाँ पे देखिए आके थोड़ा कलर अलग हो गया, सिल्वर कलर टाइप हो गया है। तो ये पूरा प्लेटम सिल्वर कलर का यहाँ पे बनने वाला है। तो आप देखिए पूरा मेकिंग, ये एक एक प्रोडक्ट कैसे देखिए यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। बहुत ही सेफ्टी काम करना पड़ता है, पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक की तरह होता है। ये देखिए, यहाँ पे सारा माल निकाल लिया गया है, उसको एक केमिकल के पानी में वापस से डाल देंगे। उसके बाद में देखिए, अभी धीरे धीरे कैसे ब्राइट होती आया कलर इसका फिर से। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यह सबसे मेन पार्ट होता है। यहाँ पे अभी इसको देखिए, करंट दिया जाएगा, वो भी हाथों से ही करंट देते एक वायर द्वारा। इनको करंट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गम बूट पहना हुआ है। ये देखिए, अभी इनका प्रोसेस होता है ये कैसे। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ये मशीन डाला गया है, 3-phase मशीन होता है, जिससे करंट पास नहीं होता है। तो देखिए ये कैसा प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर। अभी यहाँ पे ये कलर में जो सिल्वर, पहले तांबे का कलर था, फिर उस थोड़ा सिल्वर हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़े गोल्ड हो जाएंगे अभी। और फाइनल में ये प्रोडक्ट अलग ही कलर का बनेगा। तो हर एक प्रोसेस में अलग अलग कलर बनता रहता है। सिल्वर से पहले होगा, ये देखिए कैसे करंट पास कर रहे। देखिए इससे क्या होता है, कलर पूरा इसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर ये कलर निकलता नहीं है, कलर जम जाता है उसके ऊपर। फिर आप देखिए अभी कैसे इसे कलर पूरा चेंज हो जाएगा, सिल्वर एकदम ब्राइट कलर हो जाएगा। जैसे जैसे एक एक प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे पूरा सिल्वर पार्ट आता जाएगा ऊपर। ये देखिए, ये पूरा अभी सिल्वर कलर का रेडी हो गया है। इसे चेक भी किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करना पड़ता है इसमें। अभी इसको लेके जाएंगे इसका फाइनल कलर रेडी करने के लिए, फाइनल टचअप अभी देना बाकी है सिर्फ इसका। तो अब यहाँ पे देखिए, ये लेके जाके यहाँ पे, ये एक नॉर्मल पानी होता है जिसके अंदर इसको डालते हैं। यहाँ पे इसको काफ़ी देर तक ऐसे रखेंगे, 3 से 4 मिनट यहाँ पे रखेंगे एक एक पीस बांध के। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे फाइनल कलर होता है, ये रोज़ गोल्ड कलर का रेडी होने वाला है। तो अभी देखिए कैसे ये रेडी किया जा रहा है। ये सारे केमिकल के पानी होते हैं। ये देखिए, ये रोज़ गोल्ड कलर का पूरा रेडी हो गया है। अब इसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर के बाद इसको यहाँ पे ओवन में डाला जाता है, जहाँ पे हीटर होता है, मतलब हीट होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इसे 10 से 15 मिनट रखा जाएगा, उसके बाद में देखिए निकाला जाएगा ये। तो अब देखिए ये रेडी हो गया है, पूरा पानी इसका जो ड्राई हो चुका है। अब इसे आप देख सकते हैं, फाइनल कलर का रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा फाइनल रेडी हो गया है ये। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको देखनी पसंद है, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।